पूरनखेड़ी टोल पर ट्रैक्टर तो निकला लेकिन ट्रॉली नहीं निकल पाई। ट्रोल का लोहे का डंडा सिर में लगा, मां बेटे को गंभीर चोटें। परिजन ने लगाए टोल प्लाजा पर आरोप। बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी के कोलारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर जैसे ही ट्रैक्टर और ट्रॉली पहुंचे तो ट्रैक्टर तो आगे निकल गया लेकिन ट्रॉली नहीं निकल पाई। उससे पहले ही टोल बूथ का डंडा नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद वह डंडा माँ और बेटे में लगा। डंडा उनके सिर में लगने से गंभीर चोटें आई हैं। वहीं महिला और बेटे दोनों को ही गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। भैया क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश धाकर। आपके साथ ये जो महिला है कौन है? हमारे रिलेशन है। क्या कुछ ये घटनाक्रम हुआ है? ये कल कोलारा शादी में आए हुए थे स्वागत गार्डन में। इधर से सुबह शादी से फ्री होकर के अपने गाँव खाईखेड़ा जा रहे थे तो पूरनखेड़ी जो टोल प्लाजा पड़ता है वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली से क्रॉस हो रहे थे। तो ट्रैक्टर तो क्रॉस हो गया लेकिन जैसे ही ट्रॉली आई वो बूम टोल प्लाजा वालों से गिरा दिए गए टोल प्लाजा वालों ने, क्योंकि जब ट्रैक्टर निकल सकता है तो ट्रॉली भी निकलना थी। और ये तो बहुत इतना भयंकर हादसा हुआ है कि दोनों माँ बेटे आज ऐसी स्थिति में पड़े हैं कि मतलब घर पर भी बड़े मुसीबत में और यहाँ भी हम शादी से घर नहीं पहुँचे और हॉस्पिटल आना पड़ा हमको। आपका आरोप सीधा ये है कि हम तो है ही टोल प्लाजा वालों की लापरवाही, सीधी सीधा सीधा फंडा है। अभी तक क्यों नहीं गिरा? अभी तक ऐसा और क्यों नहीं गिरा? आप बताइए कभी और गिरता है क्या? आज ही क्यों गिरा ये ट्रॉली के ऊपर? इससे पहले भी सुर्खियों में रहा, कई बार सुर्खियों में रहता है वो तो टोल प्लाजा है। कितनी क्या घटना मतलब कितनी क्या चोट आई है इसका? चोट तो सर मैं अभी सीटी स्कैन के लिए भेजा है हमने, सीटी स्कैन रिपोर्ट का आएगी उसके बाद पता चलेगा। साथ में और कौन था महिला के? साथ में पूरा परिवार था। ट्रैक्टर भरा हुआ था, बच्चों से महिला पुरुष सब थे उसमें। चोटिल केवल दो लोग हुए? चोटिल दोनों माँ बेटे हुए। बेटे को क्या कितनी क्या चोट? बेटे को भी नाक में से ब्लड आया था और उस समय तो बेहोश हो गया था, बोल भी नहीं पाया। करीब आधे घंटे बाद उसको होश आया। कितने बजे की घटना होगी ये? लगभग 8:30 से 9:30 के आसपास। नहीं, महिला की हालत क्या है अभी? हालत अभी तो बेहोशी में, आप देख लीजिए।